नमस्कार दोस्तों, हम आज आपको सेल्फ रीडेवलपमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। लास्ट हमने आपके ग्रुप्स में डाली हुई है। मैं बीसी टाइप सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ, वहाँ के भी लोगों ने हमें बताया था, तो इसी उपलब्ध में सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। कैलकुलेशन आपके सामने करेंगे, आपको बताते हैं। हमारे प्लॉट का एरिया है 4475 स्क्वायर फीट। यहाँ पे देखिए 4475 स्क्वायर मीटर, ये पूरे कॉम्प्लेक्स का एरिया है हमारा। इसको हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे 4475। अपने अपने मोबाइल आप निकाल लीजिए तो आप भी खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो हमारा वीडियो चाहिए पॉज कर लीजिए, अपने मोबाइल खुद निकाल लीजिए तो आप खुद भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 4475 को हम मीटर स्क्वायर मीटर को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसका इनटू 10.764 स्क्वायर, ये स्क्वायर फीट है। ये स्क्वायर फीट को कन्वर्ट किया तो इसमें नंबर्स आ गए हैं टोटल 48,168.5 स्क्वायर फीट। ये टोटल हमारा स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा 4475 था ये एरिया। अब एफएसआई कितनी मिल रही है, हमने कैलकुलेशन की है 3.5 एफएसआई के हिसाब से कैलकुलेशन की है। हमें सूचना मिली है इससे ज्यादा भी मिल रही है, पर हमने 3.5 के हिसाब से कैलकुलेट किया है। सिंपल लॉजिक है, जिसका रोड 30 मीटर है उसको 3 एफएसआई मिलती है प्लस 5 एडिशनल मिलती है, उसके बाद और भी कुछ मिलता है, उसे हमने फिलहाल कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए कम से कम में कैलकुलेशन की उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो उसको 3.5 कैलकुलेट करके इंटू 3.5 किया तो 1,68,589.75 स्क्वायर फीट टोटल एरिया निकल रहा है, ये हमको मिलेगा 1,68,569.75 स्क्वायर फीट, ये हमको मिला। अब इसको हमने दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक 15% कमर्शियल, 85% रेसिडेंशियल। 15% कमर्शियल में लिया है, 85% इसमें लिया है रेसिडेंशियल में लिया है। इस 15% में 48 यूनिट्स आएंगे कमर्शियल में, 48 यूनिट्स, और रेसिडेंस में यूनिट आएंगे 180 यूनिट आएंगे। रेसिडेंशियल का टोटल स्क्वायर फीट हो रहा है 25,288.45 स्क्वायर फीट, नहीं 25,288.45 स्क्वायर फीट, ये इधर आ गया और यही स्क्वायर फीट इधर आ गया 1,43,301.29। ये अपने रेशियो जो हमने टोटल बताया था आपको 1,68,589.75, 15% उसमें और 85% इसमें करके हमने ये दो नंबर्स निकाले। अब इसमें 48 यूनिट्स शॉप्स के हैं, उसको कितना स्क्वायर मीटर में कारपेट, ये कारपेट की कैलकुलेशन हो रही है, ये बिल्डअप नहीं है, ये कारपेट की होती है। अगर 48 पे डिवाइड करते हैं तो ये कारपेट में होती है 526.8 स्क्वायर मीटर पर यूनिट, ये कारपेट की होती है स्क्वायर फीट करेक्ट कर रहे हो। और जो रेसिडेंस में आती है ये आती है 796.12 स्क्वायर मीटर पर यूनिट, ये कारपेट है, कारपेट प्योर कारपेट बोलते हैं इसको। एक होता है रेरा कारपेट, एक होता है प्योर कारपेट, रेरा कारपेट नहीं, ये प्योर कारपेट है, ठीक है जी। इसे इस यूनिट में देखिए 180 यूनिट आगे 796.12 स्क्वायर मीटर, और ये 48 आगे इसमें, ओके। अभी इसको हमने बिल्डअप ऐड करना है, बिल्डअप ऐड करते हैं 40%, उसकी कैलकुलेशन टोटल का बिल्डअप ऐड करना है, टोटल का बिल्डअप ऐड किया है
40% बिल्डअप ऐड कर रहे हैं इसमें, जो टोटल एरिया है 1,68,569.75। इसको 40% ऐड करने के बाद उसकी कैलकुलेशन 40% प्लस 40% नहीं करनी है, वो कैलकुलेशन हम आपको बाद में फिर से बता देंगे। वो टोटल होता है 2,00,569 है, 1,68,589 89 और इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है, कैसे होती है जरा बताइए पब्लिक को। 1-0.4 40% लोडिंग है तो 40% 1 में से माइनस करो 0.6 बनेगा, इसको डिवाइड बाय 0.6 करो। ये इस तरह कैलकुलेशन करके वो नंबर आता है 2,80,982.92 स्क्वायर मीटर। वो फॉर्मूला आपको हम बता देंगे 40% कैसा करना है, बता देंगे 2,80,982.92 स्क्वायर फीट। ये टोटल हमारा निकला, टोटल, और ये हम लोग को इधर 40% ऐड करेंगे शॉप कीपर को, ये बीच में रह गया। 40% ऐड करने के बाद बिल्डअप का एरिया बनता है 878 स्क्वायर फीट बिल्डअप 40% के साथ में, और यहां फ्लैट्स को मिलता है 1,326.86। ये फ्लैट वालों को मिलता है 40% बिल्डर्स के साथ में, ठीक है जी। अब ये टोटल का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये जो टोटल नंबर लिखा है 2,80,982.92 स्क्वायर मीटर, इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हम लोग ने 2,500 स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ा है। ढाई हजार स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ा है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो जाती है 80,982.92। टोटल जो हमने कंस्ट्रक्शन करनी है उतना मिलता है, उसको अगर 2,500 स्क्वायर फीट से हम लोग ने कैलकुलेट किया तो 70,24,57,292 रुपीस ये हमारे खर्चा होते हैं, मतलब 70,25,70,25,00,000 रुपए खर्चा होते हैं, समझ लो राउंड लमसम। और हम अगर इस यूनिट हमारे हमने एक तरफ 48 यूनिट बनाए थे और एक तरफ 180 यूनिट बनाए थे शॉप्स के, टोटल यूनिट्स हैं रेसिडेंस मिला के 36 यूनिट्स हम लोग जो रेसिडेंस के हैं 3 बेडरूम के, वो हमने एक्स्ट्रा बनाने, वो 36 यूनिट पर स्क्वायर फीट हमने बेचना है 22,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से, जो सारी एमिनिटीज के साथ में होगा। तो 22,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचेंगे तो हमें इनकम आएगी 105,09,000 रुपये, 105,09,000 रुपया हमको इनकम आएगी टोटल। और हमारी कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 70,25,00,000 रुपये, 70,25,00,000 रुपया माइनस करेंगे तो हमको बचता है 34,75,000 रुपये, माइनस 70,25,00,000 इक्वल्स टू 34,25,75,000 हमारे हाथ में बचता है, जो हमने किसी को देना नहीं है, यह सेल करने के बाद बचता है। और अगर हमने कंस्ट्रक्शन चालू की तो ये टोटल जो 70
करोड़ 25 लाख रुपए है उसका 10% तो हमको सबसे पूरी कंप्लीट होने के बाद ही देनी है। तो उसका 10% हमने पकड़ा तो तकरीबन 7 करोड़ रुपए और ऐड होता है तो वो होता है 41 करोड़ 75 लाख रुपए। अब ये 41 करोड़ 75 लाख रुपए, सॉरी मैंने आपको अभी 41 लाख बोल दिया, वो 41 लाख नहीं है, 41 करोड़ 75 लाख रुपए जो है हमें बचेगा। वो कैलकुलेशन ऐसी है, ये कैलकुलेशन करने के बाद हमको 34 करोड़ 75 लाख रुपए बचता है और 10% हमको नहीं देना होता है कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी, उसके साल दो साल के बाद देना होता है। तो 7 करोड़ मिला के 41 करोड़ 75 लाख रुपए बचेगा। वो 41 करोड़ 75 लाख रुपया 7% इंटरेस्ट से अगर हिसाब करेंगे तो 192 फ्लैट ओनर से डिवाइड करेंगे टोटल इंटरेस्ट करके, आप कैलकुलेट कर लेना अपने हिसाब से हमने किया है, तो वो 12,670 रुपया हर फ्लैट ओनर को इतना रेंट मिलेगा। इतना हमको रेंट मिलेगा, ये फाइनल हमने आपको सब बता दिया। और अगर इसके बाद भी किसी और सोसाइटीज को भी लगेगा हम उनके लिए हरदम तैयार है। ये हमने भीतरी टाइप 1-12 अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के लिए ये बनाया था, पहले भी उनको बना के 3 बेडरूम का एक फ्लैट दिया था, फिर से वीडियो में वो फ्लैट हम दिखा देंगे क्या है रेशियो हम दिखा देंगे आपको। ठीक है जी, आपको ये वीडियो कैसे लगी हम सबको आपने भी सुझाव देके बताना। आपको जो कैलकुलेशन बताई थी शॉप की तो बता दी कि 878 स्क्वायर फीट ये पूरा टोटल बिल्डअप मिलेगा आपको 40% बिल्डअप के हिसाब से, और 1326.86 ये बिल्डअप है, ये 3 बेडरूम हॉल किचन का उसका प्लान हमने गेट टाइम भी आपको बताया था, फिर से वो प्लान आपके सामने रख देंगे, वो एग्जैक्ट इसके अंदर फिट होता है 100% फिट होता है। आपको ये वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी तो आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर कुछ सुझाव देने हैं तो जरूर कमेंट कीजिए। नमस्कार, चलते हैं।